गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे इज़ डे 2, 22 जनवरी एंड अभी 4:30 हो रहा है एंड आई वोक अप ताकि मैं जल्दी से फटाफट अब नहा करके सारे पुराने कपड़े पैक करके एंड देन आई विल वेक अप माई हस्बैंड बिकॉज ही इज़ टू टायर्ड ऑफ ड्राइविंग सो मच येस्टरडे। तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे। हमारा टारगेट रहेगा क्लोज टू 5:15 या 5:30 तक मैक्सिमम होटल से चेकआउट कर जाने का, निकल जाने का। सो आई कीप यू पोस्टेड। तो फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड को मैंने उठा दिया है एंड अभी ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है क्योंकि गर्म पानी नहीं आ रहा था वॉशरूम में, तो रूम सर्विस वालों को कॉल किया एंड दे गॉट इट फिक्स्ड। तो अब हमको निकलने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, अभी 5:15 हुए हैं, तो 15 मिनट में टारगेट करते हैं निकलने का। आज मैं सोच रही थोड़ा अच्छे से ढंग से तैयार हो जाती हूँ क्योंकि कल तो ऐसे भी ज़्यादा ही टायर्ड फेस था, परसों पैकेट्स में वर्स आए थे, नींद बस 2-3 घंटे की ली थी, लेकिन आज थोड़ा बेटर तरीके से नींद मिली है 4-5 घंटे के करीब। सो आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर एंड वील गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड अभी जो है वो सारा सामान लेकर के नीचे जा चुके हैं। तो सारा सामान चला गया and now it's time for us to check out। Hi guys, time for us to check out from Urban Heritage and car cleaning के लिए हमने extra 200 रुपीज़ दे दिए थे, तो कार clean हो गई है, काम चलाओ clean हो गई है। So now we are going to start। होटल से निकलने पर 5:15 अराइवल दिखा रहा है ग्वालियर, 11 आवर्स, 732 किलोमीटर। हम लोग डीजल लेने के लिए हम लोग रुक गए थे, तो चूँकि पंप ओपन नहीं हुआ था या मे बी देवर टेकिंग सम रीडिंग्स एंड ऑल, तो काफ़ी टाइम लगा दिया इन लोगों ने, तो हम थोड़े लेट हो चुके हैं। अब जा करके हम फुल टैंक करवा रहे हैं एंड देन वील स्टार्ट ऑफ। ये पीछे टोल गेट था जिसको क्रॉस करके हम आ गए, हमें चाय पीने का मन कर गया, तो अब इसके बाद हाईवे पकड़ के चलेंगे। सनराइज भी हो गया है। इधर साइड में एक जगह पे हमने पढ़ा, डीजल भराओ ठंडी भगाओ, डीजल भराने पे कंबल फ्री। अभी हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को रास्ता भी दिखाऊंगी एज यूजुअल। कंपैरेटिवली बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है कल से, बहुत ज़्यादा। इतना सारा ऐसा लग रहा है पोज है, कंस्ट्रक्शन नहीं होता ये घाट का एरिया, तो काफी बेटर रहता। तो जैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र छोड़कर एमपी एंटर कर जाएंगे। एंड हमने डेस्टिनेशन में ओरछा डाला है बिकॉज वी आर प्लानिंग कि हम लोग ओरछा में ही स्टे करेंगे। यहाँ हम रुकने वाले हैं ब्रेकफास्ट के लिए श्री माया। बढ़िया दिख रही है। जैसे ही हमने अभी क्रॉस किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर भी अभी जंगल जंगल टाइप का ही लग रहा है पूरा एरिया। एंड हम आ चुके हैं एक और टोल पे। सो दिस इज़ द थर्ड टोल फॉर द डे। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सारा टोल सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे मेंशन रहेगा कि कितना कितना टोल हमें लगा एंड टोटल पूरे ट्रिप पे कितना टोल रहा, सब कुछ मैं मेंशन कर दूंगी अपने तीनों वीडियोस में, डे 1, डे 2 एंड डे 3 में। द ब्यूटी ऑफ नेचर। ऐसा रोड हो तब तो थकान और भी नहीं होती है। चेंज इन प्लान, हम लोग ओरछा नहीं जा रहे हैं क्योंकि जब मैंने चेक किया जूम इन करके तो पता चला कि ओरछा ये जो नो टोल वाला रास्ता है यहाँ पे कहीं पे ओरछा आ रहा है, तो अननेसेसरी अंदर जा कर के फिर वो दिल्ली की दूरी बढ़ जा रही थी, आधे घंटे लगभग बढ़ जा रही थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेमन ट्री होटल झांसी, विच इज़ 3 hours and 57 minutes। और अभी आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 12:22। सो दिस इज़ गोइंग टू बी इट फॉर द सेकेंड डे, क्योंकि हमारा कल का जर्नी भी कोई ख़ास बहुत बड़ा नहीं है। कल जो हमने जर्नी की थी वो काफ़ी बड़ी थी, more than 1000 किलोमीटर्स इन 1 day फ्रॉम बैंगलोर टू नागपुर, इसीलिए आज थोड़ा सा शॉर्ट रख रहे हैं हम लोग इसको। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो हिट ऑन द लाइक बटन बिलो एंड इफ़ यू हैवंट येट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ब्रेकफास्ट के बाद और 1-2 ब्रेक्स लिए जिसमें कि थोड़ा सा आँख पे पानी वानी मारा क्योंकि नींद आ रही थी। रोड इतना बढ़िया है, इतना सुंदर रोड है, मैं एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ। इतना शानदार रोड है, इतना शानदार कि नींद आने लग गई थी इस पे चलते चलते। ये देखिए एक मंदिर है यहाँ पे पहाड़ पे। ब्रेक्स थोड़े ज़्यादा हो गए एंड टोल वगैरह पे तो ऑटोमेटिकली स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, हालांकि फास्टैग है तो फिर भी काफ़ी क्विक रहता है। झांसी 110। ये झांसी वाले रास्ते का व्यू है। We are on the longest national highway of India, which is NH 44, and the total length of this highway is 3745 kilometers, and it covers the north-south corridor. And I must say that the road is beautiful so far. So this is the longest national highway, which starts from Srinagar in the north and ends in Kanyakumari in the south. So if you guys are liking this video so far, hit on the like button below and don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon next to the subscribe button so that you receive a notification every time I upload a new video on my channel. अब ये तो हमारा last border रहेगा ना? हाँ। तो अब ये finally last border हमारा रहेगा मध्य प्रदेश and उत्तर प्रदेश का। लगभग झांसी पहुंचने वाले हैं। क्लोज टू 47 मिनट्स दिखा रहा है गूगल मैप्स पे, एंड वो दिखा रहा है लेमन ट्री होटल जो कि आई थिंक एक्ट्स एज अ लैंडमार्क वहाँ पर। तो हम झांसी अब एंटर कर जाएंगे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वही वाली झांसी। एंड वहाँ पे जाके होटल बुक करके, ऑनलाइन अभी नहीं बुक किया है क्योंकि रिस्की हो सकता है। एक बार प्रॉपरली चेक कर लें कार पार्किंग वगैरह सब कुछ है या नहीं, देन वहीं से बाहर बैठ करके तुरंत में बुक कर लेंगे। सो दैट्स द प्लान। हम लोग लैंडमार्क के काफ़ी पास हैं, मगर यहाँ पे जो रोड्स है मैंने सोचा थोड़ा एक अपडेट दे देती हूँ कि बुरी हालत है अभी रोड्स की, अंडर कंस्ट्रक्शन। हे गाइस, तो फाइनली हम लोग झांसी पहुंच के होटल में आ गए अपने। एंड इस होटल का नाम क्या है, कुछ तो श्रीकांत समथिंग, नॉट एग्जैक्टली रिकलेक्टिंग नाउ। तो टायर्ड तो हो ही गए थोड़ा सा कुछ। हाँ, मैंने लंच का रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, आई एम सो सॉरी। एंड लंच वगैरह हमने कर लिया था तो कोई ऐसी खास भूख नहीं लगी है। थोड़ा सा कुछ स्नैक्स करेंगे जो साथ में ही है, एंड देन वी विल रिलैक्स। और यहाँ पे बाहर का खाना अलाउड नहीं है, तो रेस्टोरेंट में जो भी अवेलेबल रहेगा हम लोग वो खा लेंगे डिनर में।